गाइस हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है जिसमें ट्रेजरी ऑफिसर की वैकेंसी आई है। गाइस आज की जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड वीडियो इनके सिलेबस के ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है, कितने पेपर आपको देने हैं अगर आप इन वैकेंसीज में ज्वाइन करना चाहते हो, और गाइस कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे कितने रखे गए, कौन सी बुक आपको रेफर करनी है इन एग्जाम को पास करने के लिए, ए टू जेड सारी जो जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस है वो आपको सभी इस वीडियो में मिल जाएगी। गाइस जो ये वैकेंसीज आई है ग्रुप बी की वैकेंसीज आई है और एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, इसके तीन पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री। तीनों पेपर का जो वेटेज है वो सेम ही रखा गया है, पॉइंट वाइज यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। पेपर के बाद आपका वाइवा होगा, और गाइस जो ये एग्जाम पेपर होंगे आपके ये हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में आपके एग्जाम पेपर होंगे, आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर लिख सकते हो। गाइस यहाँ पे जो एवरी पेपर है यहाँ पे वो यहाँ पे 100 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक पेपर, पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री, ये यहाँ पे तीनों 300 मार्क्स के होंगे। एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, यहाँ पे पेपर वन भी 100 मार्क्स का होगा, पेपर टू भी एंड पेपर थ्री भी 100+100+100 मार्क्स के यहाँ पे रखे गए हैं। और जो गाइस इसमें पासिंग परसेंटेज आपको लानी है तीनों पेपर में 33% पासिंग मार्क्स आपको लेके आने हैं। गाइस एवरी पेपर में यहाँ पे अलग अलग पास होना है, पेपर वन में भी आपको 33% नंबर चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए, पेपर टू में भी चाहिए, पेपर थ्री में भी आपको 33% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। गाइस यहाँ पे आपको टोटल 3 आवर का टाइम मिलेगा एक पेपर को पूरा करने के लिए, यानी तीनों पेपर को पूरा करने के लिए यहाँ पे आपको 9 आवर का टाइम मिलेगा, एक पेपर का टाइम यहाँ पे 3 आवर रखा गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। अब बात करेंगे वाइवा, जो वाइवा है वो 40 मार्क्स की यहाँ पे रखी गई है। जो टोटल आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यानी टोटल पेपर है आपके इंक्लूडिंग वाइवा, जो टोटल पेपर है यानी टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे वो 340 मार्क्स का आपका ये पूरा एग्जाम होगा इंक्लूडिंग वाइवा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और जिसमें आपको 120 पासिंग मार्क्स आपको लेके आने हैं गाइस, दो 300 मार्क्स से 120 पासिंग मार्क्स आपको लेके आने हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। पेपर वन की बात करेंगे, पेपर वन आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपको एसे, लेटर राइटिंग लिखनी है, और गाइस यहाँ पे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आपको आता है उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज दी हुई होगी। गाइस ऐसा कुछ मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि आपको यहाँ पे हिंदी में लिखने हैं या फिर इंग्लिश में लिखने हैं, मेरा मानना है यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेज दी जाएगी, हिंदी का भी एक अलग पैटर्न होगा, इंग्लिश का भी एक अलग पैटर्न होगा, दोनों में ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे बोथ लैंग्वेज लिखी हुई थी, मतलब दोनों में ही आपको लिखना है। पेपर टू आपका होगा जनरल नॉलेज के, इसमें क्वेश्चन आएंगे, और गाइज एवरीडे साइंस के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, यानी डे बाय डे साइंस में इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी इसरो एंड डीआरडीओ ने कितना इंप्रूवमेंट किया है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और गाइज हमारी साइंस कितनी आगे चली गई, और गाइज यहाँ पे आप 3-4 साल से लेके और अभी तक का जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। और गाइज जनरल नॉलेज पर तो आपको और करंट अफेयर पर तो आपको पूरा फोकस देना है अगर ये एग्जाम आपको क्रैक करना है। जो पेपर थ्री है गवर्नमेंट अकाउंट की एक बुक्स आती है उसका चैप्टर 1 से लेके 8 तक आप यहां पे पढ़ सकते हो, इसको क्लियर करने के लिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट के क्वेश्चन आएंगे जो कि इशूड बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इशू की थी। गाइज यहां पे नोटिफिकेशन में कंट्रोलर लिखा है तो ये कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन की गलती है या फिर टाइपिंग में इनसे एरर हुई है, इसका मतलब कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर है इसका मतलब। तो यहाँ पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी इश्यूड की गई थी उसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया पासिंग मार्क्स यहाँ पे 33% है ईच पेपर के, और 40% यहाँ पे एग्रीगेट रखे है, यानी तीनों पेपर में मिला के पेपर वन से लेके पेपर थ्री जो तीन पेपर है आपके तीनों में मिला के आपको 40% नंबर लेके आने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सभी में 35% नंबर लेके आ जाओ तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे। अगर आपकी कमांड पेपर वन में ज़्यादा है तो पेपर वन में आप 50% नंबर लेके आ सकते हो, अगर आपकी कमांड पेपर थ्री में ज़्यादा है
तो पेपर थ्री में आप 50-60% नंबर लेके आ सकते हो। गाइज यहाँ पे जो एमसीक्यू पेपर होगा वो यहाँ पे पेपर टू एमसीक्यू हो सकता है, हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दिया, बट जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के रहते हैं। जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहते हैं यहाँ पे पेपर थ्री और पेपर वन रह सकता है, क्योंकि पेपर थ्री में जो दिया है इन्होंने बुक के नाम दिए और गाइस चैप्टर के नाम दिए, उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। मुझे लगता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे लिखवाए जाएंगे। गाइस ये रही पूरी डिटेल, फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो।